नमस्कार। तो आज यहाँ पे हम ऑयल इंडिया लिमिटेड स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं और लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे देखने वाले। तो ऑयल इंडिया की बात की जाए तो 244.50 पे स्टॉक ने क्लोजिंग दे 2.485 पैसे ऊपर, तकरीबन 1% ऊपर क्लोजिंग देता हुआ नजर आ चुका है ऑयल इंडिया स्टॉक। स्टॉक जैसे ही ओपन होता स्टॉक में तेजी देखने को मिली थी, फिर यहाँ पे सुबह में फिर यहाँ पे रिट्रेसमेंट भी देखने को मिला था, फिर डिम था पूरे दिन भर, फिर एंड ऑफ द डे में एक अच्छी वॉल्यूम नजर आई स्टॉक के अंदर और एक अच्छी वॉलेटिलिटी भी देखने को मिली थी। तो एंड ऑफ द डे स्टॉक ने 245 का रेजिस्टेंस लेके 244.50 पे क्लोजिंग दे चुका था। तो मार्केट कैप जो है 26,000 करोड़ के और यहाँ पे पी रेशियो 3 का है, जो कि अच्छा है। हल्के से गिरावट के बाद फिर से रिकवर होता हुआ नजर आ रहा है ऑयल इंडिया स्टॉक। पिछले एक महीने में तो गिरावट ही नजर आई थी स्टॉक में, थोड़ा सा वीकनेस बढ़ा था तो हल्का सा यहाँ पे पुल बैक देखने को मिला है। तो यहाँ पे स्टॉक की यहाँ पे चार्ट भी देखा जाए तो कोई खास अपडेट या न्यूज है क्या रिगार्डिंग ऑयल इंडिया स्टॉक, तो देख सकते कि 4 डे जाएगा कि कोई खास अपडेट नहीं है। तो स्टॉक 270 से गिरकर यहाँ पे देख सकते कि 250 के नीचे आया था, तो रिसेंटली पुल बैक देखने को मिला है। 245 लेवल भी रेजिस्टेंस है, उसको ब्रेक कर रहा है ऊपर के साइड, तो 253 पे रेजिस्टेंस लग सकता है, क्योंकि ये लेवल से एक इंपॉर्टेंट लेवल से यहाँ पे हमने मार्क किया है। इजिली आप लोग देख सकते कि कैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लिया है ऑयल इंडिया ने इस लेवल के ऊपर, तो ये लेवल्स आप लोग ध्यान में लीजिए।